अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर पकौड़ा। उसके लिए जो सामान मुझे चाहिए, यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है, बूंदी ली हुई हुई है, बूंदी को हमें हाथ से क्रश कर लेना है, 1 कप बेसन है, 1/4 स्पून चाट मसाला, 1/4 स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, और ये लहसुन की चटनी है जिसे मैंने 4 जवे लहसुन, आधी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के पीस लिया था, और आधी चम्मच तेल में इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, और 2 पिंच अजवाइन। पनीर को मैंने इस तरीके से स्ट्रिप में कट किया। अगर आप चाहें तो पनीर को इस तरीके से क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। अब इसे हमें करना क्या है, इसमें बीच में स्लिट करना है इस तरीके से, और ये जो चटनी हमने बनाई है लहसुन और लाल मिर्च की, उसे लेके इसके अंदर स्टफ़ करना है। बिल्कुल आसानी से बन जाती है। हल्का सा पानी डाल के हमें लहसुन को और लाल मिर्ची के पाउडर को और नमक को डाल के मिक्सी में घुमा देना है। बस इस तरीके से ये चटनी को स्टफ़ करना है, और सारे पनीर को ऐसे ही स्टफ़ करके रख लेना है। ये देखिए, लहसुन की चटनी को मैंने इस तरीके से स्टफ़ कर लिया। अब मैं इसे हटाती हूँ और बेसन का बैटर बनाते हैं। बेसन ऐड करेंगे। आधा चम्मच चाट मसाला, सॉरी 1/4 स्पून चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची का पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा अजवाइन 2 पिंच के करीब, 1/4 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ज़्यादा नहीं डालना है, और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा बैटर को हमें पतला नहीं करना है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी हमें बस इतनी ही चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं और ज़्यादा गाढ़ी नहीं, बस अच्छे से पनीर पे कोट हो जाए उतनी। बूंदी है इसे मैंने हाथ से क्रश कर लिया है। तो पहले हम इस तरीके से बेसन में डिप करेंगे और उसको बूंदी में कोट करेंगे, और मैंने तेल भी गरम करने रख लिया है, तो फिर से हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से सारी बूंदी को पनीर को अच्छे से बूंदी से कोट कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो अब हम ये बूंदी से जो कोट किया हुआ पनीर है उसको इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह। गैस को मैंने मीडियम हाई पे रखा है। सारे पनीर को जो कोट कर लिया अच्छे से उसे डालेंगे इस तरीके से। ये अच्छे से कलर आ गया है, तो मैं इसे टर्न कर रही हूँ। हमें दोनों साइड से अच्छे से सुनहरा करना है, गोल्डन ब्राउन। तो सारे पकौड़े को हम टर्न कर लेंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से हो गया। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये बहुत टेस्टी और मज़े का बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।